बसमिल्लर रहीम बाबो माज कर नबीयो सल वस व हज़ालफ़ाक़ अलम व मजतमिलहरमान मक्तो वलमदीनतो व माक़ाब हिमा शाहिदिन नबी सल वसल्मा वमहाजरीन वलनसार व मुसल नबी ए वलम्बर वल़ब्र

ने क़ायम किया है बाबो माजरन नबी सल्ह वसम व हज़रफाक़ इसकी मैं पहले ये तशरी कर चुका हूँ कि मतदमीन के हाँ ये जो बाद में तारीफ़ें बन गई हैं ख़ास तौर तो पर उन चीज़ों की जो अब की मुताहतार के अंदर शरीय से बाहर निकल कर जो कुछ इस्लाम का खाका पेश किया जाता है लेकिन तो हकीकत ये है कि मतकदमी उससे बड़ी बड़ी हैं उनको ये नहीं कहा जा सकता कि अब वो इस बात के कायल थे कि नहीं अब मिसाल के तौर पर जो हमारे यहाँ असूल फ़िका के अख्तिलाफी असूल हैं उनके अंदर क्यास इजमा इसत इससान मसाले मुरसला, सद जरिया फतु जरिया और इसी तरह उर्फ़ इसतकर और इस तरह के काफ़ी जो है वसूल हैं आम तौर पर दो दर्जन के करूब करीब जो उस, उसूल फ़िका की दलील के तौर पर जो है वो इनके जो मुफाहम मुताख्रेन के यहाँ मौजूद हैं मुतकदम इन चीज़ों के कायल नहीं थे और मैं ख़ास तौर पर जो तोजो दिलाना चाहता हूँ वो इस तरफ है कि ये जो दो अह हैं ना क्यास और इजमा इसके बारे में जो है वो मुतकदम बाद की हैं और जो उसका मफहम बाद में मुतन किया गया है ना तो उनकी किताबों में ये चीज़ मिलती है और ना उनके वजाहतों में ये चीज़ जो है ये मिलती है क्यास के बारे में इमाम बुखारी का जो मौक़ है वो मैं बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि इमाम बुखारी के नज़दीक क्यास जो है वो अहदीस की जो क्यास की तरीक़ कोई ये जो तस्वर है कि शरीय के ऊपर कुछ इजाफा इजाफ़ा का तस्वुर जो है वो वहरुदीस के हाँ नहीं है वो तमाम कुछ जो कुछ भी वसत है या गौर गौरव फिक्र है जिसे हम इतहाद कहते हैं वो तमाम का तमाम जो है वो उनका सुन्नत के अंदर ही मौजूद है हमारे यहाँ ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है ना कि सुन्नत जो चूँकि महदूद हैं और मसाइल गैर महदूद हैं इस एतबार से जो है वो गैर गैरमहदूद मसाइल को हल करने के लिए जो है वो अक़ल से काम लेना चाहिए ये असूल जो है ये मुतकदम सारे नहीं मानते मैं इसलिए सारों की बात करता हूँ कि इसके अंदर इमाम अब और उनके बुज़ुर्ग हम अबी सुलेमान इब्राहिम नख़ी जिनको जो है वो अहल राय कहा जाता है वो भी इस उसी को नहीं मानते इसलिए कि वो तमाम के तमाम अहल सुन्नत हैं और अहल सुन्नत का माना यह है कि उनके नज़दीक सुन्नत जो है वो काफ़ी है शरीयत के लिए ये असल में बात की असलाहत जो हैं वो वो इमाम वनीफ़ा पर लगा दी जाएँ या किसी और पर लगाई जाए तो ये इलमी अतबार से बात गलत होती है कि भाई मुतकदमें जो हैं मुतखीन तो उसको थे कोई नहीं जब ये असलाहत जो बाद में बनी हैं और इनके जो मानी मुतैन किए गए हैं वो मुतकदमें यहाँ ये बारी नहीं थे इसीलिए मैंने जो है वो क्यास की गुफ्तु के बाद जो है वो इसके ऊपर कुछ रोशनी डाली थी कि इजमा की जो तारीफ हम करते हैं मुतकद की कि हाँ वो इजमा नहीं है और मैंने इसमें ख़ास तौर पर जो है वो शुकानी का हवाला दिया था कि शुकानी ने चूँकि इस मैदान का आदमी है शुकानी असूल हदीस का भी आदमी है और असूल फिका का भी है बल्कि कहा तो ये जाता है कि अगर इस दौर में कोई मुश्त मुस्तकिल के दर्जे का आदमी है तो वह इमाम शुकानी है तो अब इमाम शुकानी की बसीरत और उनकी सूझबूझ वो तो उनकी किताबों से नज़र आती है और उसके अंदर इर्शादल का एक बड़ा मुक़ाम है इशादलफूलूल को देखिए तो उन्होंने क्यास पर जो इतराजात वारद किए हैं और इसी तरह जो इजमा पर जो एतराजात वारद किए हैं उसके बाद कहते हैं कि सवाल ये पैदा होता है कि यह क्यास और ये इजमा जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबाना में जो है वो इसका वजूद था तो जब इस तरह की क्या इजमा और क्यास का ना वजूद था ना आपने उसको जो है वो अहमियत दी है तो फिर हम खाम खा जो है वो क्यों इन पर ये बातें लगाएं कि वो इसके कायल थे तो इसलिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि और जो अहरस का जो क्यास है वो और है तो इसलिए एरदीस के क्यास के इमाम शाफी भी कायल हैं इमाम बुखारी भी कायल हैं इमाम आमद बिन हम्बल भी कायल हैं लेकिन अहल राय का जो क्यास है उसका कोई भी कायल नहीं है इनमें से तो इजमा के बारे में भी यही बात मैंने आपसे कही है कि इकट्ठे हो जाएँ तो वो इजमा होता है असल बात यह है कि शरीय का जो मिजाज है उसके अंदर इतफाक़ की तरगीब और इख्तलाफ से बचने की जो है वो तरहीब और तल्कन जो है वो पाई जाती है कि इख्तलाफ से बचो और इतफाक़ जो है वो अच्छा इतफाक़ के साथ साथ कुछ बरकतें जो हैं वो खुद लोगों की नेक आमाल की वजह से होती हैं इंसानों के अंदर नेक आमाल की वजह से जो बरकतें पैदा होती हैं उसमें इतनी बात ही काफ़ी है कि जो नेक लोग हैं उनका वजूद से बरकत होता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद जो है वो आपको इंशाल्लाह ये बुखारी मुस्लिम में ही मिल जाएगा कि आपने फरमाया कि मेरी असीयत जो है वो इस उम्मत के अंदर ऐसी है जैसे कि सितारों के अंदर एक चाँद हो और इसी तरह फिर उसके बाद सितारे उस तक रोशन होते हैं जब तक चांद से वो रोशनी लेते रहे उसके बाद फिर ये है कि मेरे सिहाबा की ये हालत होगी कि देखा जाएगा किसी लड़ाई के अंदर के एक सिबी मौजूद होगा और उसकी वजह से जो है वो फतह हो जाएगी फिर उसके बाद जो है किसी लड़ाई में ये देखा जाएगा कि सिहाबी से मिलने वाला जो ताबी है वो मौजूद है और उसकी वजह से जो है लड़ाई के अंदर मुसलमानों को फतह हो जाएगी फिर उसके बाद तबाह ताबी तक अगर वो मौजूद है तो उसकी काम है और मुकाम की वजह क्या है कि वह नबी अ करम सदम के साथी हैं इसीलिए किसी ने अब्दुल्ला बिन मुबारक से ये यह बात कही कि उमर बिन अब्दुल अजीज का और अबीर माविया का गालिबा मुकाबला किया तो उन्होंने कहा कि अमीर माविया का मुकाम जो है वो ऐसा है कि उनके जे घोड़े के किसी का ताल्लुक किसी के साथ उठने बैठने से अच्छी सहबत और बुरी सोहबत इरादी चीज़ का माना ये है कि बाकायदा कुछ रियाजें करके जो है वो ये कोशिश की जाए कि किसी के ऊपर जो है वो इतना असर डाला जाए कि वो उसके रंग में रंगा जाए और ये जो बिगाड़ाया है तसवुफ़ के ज़रिए से लेकिन अगर उस तरह की रियातों से जो है इरादी तौर पर कोशिश की जाए किसी का दिल चालू किया जाए और उसको एक मुक़ाम दिया जाए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ग़लत हैं और इस सिलसिले में जुनेद बगदादी की के मतलब वो खाब जो किसी ने देखी थी कि जो बरकत हैं जो से के अंदर बाद में इजाफे कर दिए गए रियासतों की सूरत में उनकी वो हैसियत नहीं है तो की इबादत से वो बेहतर है मेहनत करके या गौरव फिक्र करके कोई चीज़ जो है वो उसके लिए मेहनत करे उसका वो मुक़ाम नहीं होता और इसके लिए आपके लिए वो मिसालें काफ़ी हैं कि जब क़्यामत के दिन जो है वो तीन उम्मतों का आपस में मुकाबला होगा यहूद नसारा और उम्मत ये दी है कि जैसे सुबह से लेकर जो है वो ज़ोर तक उनकी मेहनत है उसके बाद फिर ज़ोर से लेकर असर तक की जो मेहनत है वो नसारा की है और उनके लिए भी एक दिन आर अजर और उसके बाद जो है वो असर से लेकर मगरिब तक जो सबसे कमतर कम, कम वक्त है उसके अंदर जो मेहनत है यह उमत मोहम्मदिया की है मेहनत थोड़ी और अजर जो है उसका दो दिन आर और हरी कि मैं किसी को थोड़ी मेहनत और उजरत ज़्यादा दे दूँ अब देखिए आप लहरत कदर जो है वो सिर्फ़ उम्मत महमदिया का ही एक इम्तियाज़ है और लहरत क़दर से जो काम होता है ये हकीकत में जो पहली उम्रें थी लोग इतनी लंबी लंबी उम्र हज़ार साल की उम्र और सैकड़ों साल की उम्र उम्रें तो आपके सामने मिसालें मौजूद हैं आदमी इस्लाम की और की तो उन उम्रों के अंदर लोगों ने जो काम किए हैं उम्मत महम्दिया के अंदर थोड़े से काम एक रात की जो है वो इबादत वो वो एक हज़ार महीने से बेहतर तो इस तरह से एक मकसद असल में कहने का ये है कि जिन तरीकों के अंदर उसव हसना जो पाया जाता है वो काम थोड़ा है उसका फ़ायदा जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी मिसाल वो भी ली जा सकती है जबकि दो शख्स सफ़र में थे तो उन्हें जो है वो पानी ना मिला तो उन्होंने दोनों ने तेम मुम करके जो है वो नमाज़ पढ़ ली अच्छा थोड़ी आगे जब गए तो अभी नमाज का वक़्त मौजूद था तो पानी मिल गया अब जो है वो दोनों कहने कि नमाज का वक़्त अभी मौजूद है हमने पानी ना होने की वजह से जो है वो नमाज पढ़ ली थी तो क्या करें तो एक ने कहा कि बात यह है कि मैं तो दोबारा वजू करके मैं अब वज़ू करके नमाज पढ़ लेता हूँ उसने वज़ू किया तो नमाज़ पढ़ ली और जो दूसरा था उसने कहा कि भाई मैंने जब तयम किया उस वक़्त तयम का हुक्म ही था तो मैंने उसके मुताबिक अमल कर लिया है इसलिए मुझे दोबारा नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी तो आपने क्या फरमाया था फरमाया कि जिसने नमाज़ें दो दफ़ा पढ़ी हैं उसको तो दोनों नमाज का सवाब मिल गया है जिसने जो है वो एक ही दफ़ा नमाज पढ़ी है तयम करके उसका सवाब जो है वो उसको ये नहीं पहुँच सकता इसलिए उसका वो तो सुन्नत को पहुँच गया है यानी नबी तरीक़े को पहुंच गया है तो कहने का मकसद असल में यह है कि नबी अ करम सर संग के जो तरीक़े हैं ना थोड़ी मेहनत उसका आजल ज्यादा है तो इसी बिना पर मैं आमतौर पर यह कहा करता हूँ ना कि शरीय के साथ फ़िका का जो है मुकाबला ना करो फ़िका एक या मासूमी की तगोद है जो तो इसी तरह जो जामयत और वसतें जो हैं वो नबी अ करम सर की, की सन्नत में हैं वो कहीं नहीं आपको मिलेंगी तो यहाँ मैंने जो आपको तोज्जो दिलाई है वो ये है कि ये इजमा का जो मुतान की इस तरह है ये मुतकदम के यहाँ जो है ये नहीं पाई जाती तो इसलिए हमारे यहाँ बाज़ इबारतें इशकाल पैदा करती हैं आमद में हमल के बारे में जो है वो बात बड़ी मशहूर है कि जो इजमा का दावा करे वह जूठा है असल में उन्होंने जिस इजमा की तरदीद की है वो ये इजमा है जिसमें तमाम उलमा का इकट्ठ है इसलिए कि अव्वल तो ये मालूम ही नहीं किया जा सकता और काम कोई अहमियत नहीं रखता तो इसके अंदर अगर शरीयत के अंदर कोई चीज़ मौजूद है तो वो यही है कि अगर आ, आ, कोई भी गौरव फिक्र करते हैं तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी अब अब आप देखिए कि मसला पेश आता है उसके अंदर वैसे जो हैं उनकी आराम मुख्तलफ हो सकती हैं एक मसला पेश आया है और उसके बारी बारे में शरीयत में ग़ौर विक्र किया गया तो गौर फिक्र के नतीजे में जो है वो किसी की राय कुछ हो सकती है किसी की राय कुछ हो सकती है बेशुमार मसाइल हैं जैसे कि हजतुमर रजी अल्लाह तु के ज़माना में ये जो इख्लाफ ये था कि नबी अक्रम सल्हलम जो हैं वो अपने ज़माने में जब कोई फतह होती थी तो ये ये जो ज़मीनें हैं आप तकसीम कर देते थे या इनको जो है वो बैतुल माल का हिस्सा बना लिया जाता था अब इसके बारे में आम राय यह है कि आपके ज़माना में तो फौजियों में तकसीम हो जाती थी असल में मामला ये है कि हमेशा ये काम नहीं हुआ कभी फौजियों में तकसीम हुई हैं और कभी फौजियों में तकसीम नहीं हुई लड़ने वालों में और कभी ऐसी सूरत हाल भी हुई है कि उनको जो है वो हू बू बाकी रखा गया यानी तकसीम नहीं हुई और कभी सूरत हाल ये बनी है कि बाद हिस्से तकसीम कर दिए गए और बाद हिस्से जो है वो नहीं तकसीम किए गए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बनू कुरैजा का जितना भी मामला था उनको जो है वो जवानों को पतल करके बाकी बच्चों को और औरतों को जो है वो ग़ुलाम लोनियाँ बना लिया गया तो उसके बाद उनकी ज़मीनें जो हैं वो भी तकसीम कर दी गई लेकिन जो खैबर के अंदर जो ज़मीनें हैं बाद इससे उनके तकसीम किए गए हैं और बाद उससे उनके जो हैं वो बैतुलमाल में रहे यानी तकसीम नहीं, नहीं किए गए बिल्कुल गलत है कि जो ये मुता नहीं गलत का मानना ये मुतान की इस तरह हैं मुतकदम इसके कायल नहीं है उनके नजगे इजमा नहीं है यानी जुज़ियात के ऊपर जो है मुतकदम के हाँ इजमा कोई असीत नहीं रखता इमाम शाफी ने भी यही बात कही है और जो इब्तदाई लोग इमाम शाफी के तर्जुमान है जैसे कि इमाम वगैरह वो कहते हैं कि इजमा सिर्फ़ असूली चीज़ों का होता है उसूली चीज़ों से मराती है कि मसदा के जो मसाइल हैं उनके बारे में जो गौर फिक्र होता है उसके ऊपर जो है वो हमें तरीक़ार पर हमें मुत्तफिक होना चाहिए और इसके अलावा हमारे यहाँ जो असूल हैं ओसूल फ़िका यासूल हदीस इन असूलों पर जो है वो एक दफ़ा इकट्ठ हो जाता है तो इसको कहा जाता है वैसे सबीरमौमिन मैं सबीर उमोमिन की जो तशरीर आपके सामने कर चुका हूँ ना उसका उसका तल्लुक जज्वी मसाइल से नहीं है तो मिनज वो तो एक है मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इमाम बुखारी हों या इमाम शाफी हों आमद बिन हम्बल हों ये तमाम के तमाम जो है ये एर रीस मिनज पर थे इनका तरीकेकार जो है वो इश्तहाद का तरीकेकार एक है अगर ये जो इश्तिहाद का नतीजा होता था उनमें अख्तिलाफ़ मौजूद है जज्वी मसायल मखज शरीत की बजाय खुदशरीत है किताब सु तो शरीत का माखज नहीं है किताब सुन्नत जो है वो इश्तहाद का और फिका का तो माखज है लेकिन शरीय का माखज नहीं है किताबत किताब खुदशरीत है मखज नहीं है तो असल में ये जो बस्तर का लफज है और माखज का लफज है ये बहुत ज्यादा फुकहान है इसको जो है वो गर्द ये ये उनका जुबरा था तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी के बाप से ये मालूम होता है कि अहिलम का इत्तेफाक होना चाहिए और इसके लिए इमाम बुखारी जैसे लोग जो हैं उनकी दलील यही है कि कि जिसके पास शरा की कोई ये जो है ये अल्लाह तला की हुज्जत जो ज़मीन पर कायम होती है ना ये उसकी बुनियाद है कि अगर अल्लाह की आ, कि अगर हक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो इसका मानना यह कि फिर अल्लाह की हुज्जत ही नहीं होगी तो इस एतबार से जो है वो इजमा का अगर कोई मफूमू है तो ये, वो ये है यानी किसी चीज़ की हुज्जत कायम होना यह मफहम नहीं है कि कुछ चार सौ आदमी या पाँच सौ आदमी या एक हज़ार आदमी इकट्ठे हो गए तो लजिजमा हो गया ये जो तस्वुर है ये मुताफ़रीन का है जिसको मुतकदम कि हाँ ये तस्वुर नहीं है और ना वो इसको तस्लीम करते हैं और अगर आ, इमाम आम बिन हब्बल ने अगर किसी चीज़ का इनकार किया तो वो इसी चीज़ का इनकार किया है कि मनदा लजमाफाओ काज नहीं इसलिए उम्मीद देनी चाहिए कि ये असतलाहत पहले तो मुतदमें में थी मुताख्रन को ये हकी नहीं है कि उन असलाहत के मानी बदलकर जतकदम पर लागू करें तो इसलिए जिन लोगों ने इमाम बुखारी को ये साबित करने की कोशिश की है कि वो मुतान का जो क्यास है उसको इमाम बुखारी मानते हैं कि नहीं मानते ये बात ही बड़ी सी है कि इमाम बुखारी जो हम मुतकदम तो मुताखरीन के कोई उनके पैरोकार तो नहीं है मुतदमिन बाद में आने वाले हैं इमाम बुखारी को तो पता ही नहीं था कैसे कैसे लोगों ने आना है तो इसलिए इमाम बुखारी के नज़दीक जो मुतान का जो इजमा है उसकी कोई हैसियत नहीं मैंने ये आपको हाँ इसके साथ साथ इमाम बुखारी ने जो तस्वुर तो दिया है वो ये ये दिया है कि नेकी के असरात जो है वो इंसानों पर भी होते हैं जगहों पर भी होते हैं और इसी तरह जो साथी होते हैं उनके भी असरात होते हैं जैसे नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी जो है वो कस्तूरी के पास बैठेगा तो कम अज़ कम उसकी खुशबू तो पाएगा ना और इसी तरह जो आदमी आग के पास बैठेगा अगर कपड़े अपने जलने से बचा लेगा तो सेक से तो नहीं बच सकता तो इसलिए इरादी चीज़ है ये गलत है ये चीज़ जो है ये अल्लाह की तरफ़ से होती है वह भी की खलफ़ ठीक है वैसे लेकिन ज़रा व भी एक इस्तेमाल होता है आम तौर पर वो चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से जैसे नबूवत है उसको कहेंगे ये वाबी भी है जी तो लेकिन इस इस माना में ये दुरुस्त है कि इसके असरात होते हैं यानी मामलात में इसके असरा होते हैं अच्छी जगह के भी असरात होते हैं और इसी तरह अच्छे लोगों के भी सलात होते हैं तो इसीलिए इमाम बुखारी ने जो उनवान बांधता है ये है कि मक्का मदीना की एक अहमियत इमाम बुखारी ने पेश की है इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ तहीफ ले गए जहाँ जहाँ बैठे जहाँ जहाँ आप उठे हैं वो तमाम बशाहिदिन नबी हैं उनकी भी एक अहमियत है लेकिन अब ये कहना कि आपके वो तमाम जहाँ आप बैठे हैं तमाम उठे हैं उस, उस जगह पर तो उसका असर हुआ है लेकिन अब ये कहा जाए कि ये वहाँ बैठना और वहाँ उठना जो है ये शरीयत है नहीं ये चीज़ जो है ये असल में कुछ शरीयत से आगे बढ़ने वाली बात है ये ऐसी मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने जो है वो सिर्फ इस बात को देख लिया कि नबी अक्रम सरअलम का चूंकि एक अमर ऐसा हुआ है खा आपकी हाजत थी अब जैसे नबी अक्रम सरअलम सफर के अंदर एक जगह पर जो है वो फ़जाए हाजत के लिए बैठ गए हैं अब्दुल्ला बिन उमर का तरीक़ार ये था कि उन्हें गज़ा हाजत की अगर ज़रूरत ना भी होती तो वो जो है वो वहाँ बैठ जाते लेकिन अब इसको ये कहना कि ये सुन्नत है सुन्नत पैर भी की जाए अगर अगर जब मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक वो हदीस सही है लेकिन एक बात वैसे मशहूर है कि नबी अकरम वसल्लम का जो ऊपर का बटन या जो भी था ना उसको जब देखा खुला है तो एक से अभी ने फिर सारी ज़िंदगी इसको बंद ही नहीं किया इस तरह की लेकिन अगर ये चीज जो है ये साबित हो तो इसका माना आपसे मोहब्बत है और आपसे मोहब्बत जो है उसी से मुतलका ये चीजें हैं कि आपके बार रखे गए आपका पसीना रखा गया और आपके पसीने के जो है वो खुशबू में कतरे मिला मिला कर जो है उन पसीनों को इस्तेमाल किया गया इसी तरह नबी इक्रम सरसम का जो वजू था उसके पानी पर जो है वो सिया आपस में मुकाबला करके जो है वो पानी हासिल करने की कोशिश करते थे किसी को अगर आपके कतरे नहीं मिलते तो कम अज़ कम वो दूसरे का पानी लेकर जो है अपने जिसम में लगा लिया ये तमाम चीज़ें जो हैं ये शरीय से साबित हैं इसलिए इस ये चीज़ें तहीद तो के मुनाफे नहीं है नौज़बिल् मज़ारिकबाज़ लोग जो है वो समझते हैं कि ये चीज़ें तो हीद के मुनाफी हैं नबी अक्रम सर हसन से जो मोहब्बत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है और इसके लिए मैं फ़िलहाल सारी तो नहीं आपको बयान करता लेकिन हजत उम्र का वो जो कहना है ना कि मेरी जान जो है वो मुझे ज़्यादा कीमती मालूम होती है तो नबी अकरम सर फरमाया था कि क्या उम्र फिर ईमान नहीं है तो इसलिए नबी अक्रम सर से जो मोहब्बत है वो इस तरह की होनी चाहिए किसी और के लिए ना हो हम लोगों ने तो असल में फिका के पीछे लगकर नबी करम सरसम को जो है वो ख़त्म ही कर दिया है उनकी तो कोई असीत ही नहीं है बाद में इमामों के जो अखबाल हैं और वो भी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि उनके अंदर असल का बात यह है कि फिकुल ववाक़ा मौजूद नहीं है और अखबार मौजूद है तो वो अकबाल जिनके पीछे वो जो वजह थी खास तौर पर जो उस वक्त पेश आई इस इश्तिहा अगर वो हमारे सामने नहीं है तो उस फिका की क्या हैसियत है वो वो फ़िका जो है वो उसे ये कहना कि ये ताबत सुनने से मखूज है ये वादे करते हैं मैं इस पर बड़ी तफसीली बात कर चुका हूँ आप पता नहीं उस दिन नहीं थे मैंने इस पर बहुत तफसली बात की है तो इसलिए मेरा बहुत दरस जो है वो सुन लिया जाए तो मैंने आज जो है वो आपको सिर्फ इतना बताना है कि महाजरीन अनसार के जो दर्जे थे मरतबे थे वो सारे अपनी जगह पर दुरुस्त हैं और इसी तरह नबी अक्रम सल्ला वसम ने कहा नमाज़ पढ़ी है उसकी भी अहमियत है आपके मेंबर की भी अहमियत है हती कि आपकी कबर की भी अहमियत है तो इन तमाम चीज़ों की बरकतें तो अपनी जगह पर हैं लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि तकद्दस और बरकत और चीज़ है और एक है कि उसका जो है वो हजत होना इन मानों में कि वो सुन्नत है या वाजिब है नहीं इसके बारे में जो है वो ऐसा असूल नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं ये हजत भी हों तो इस एतबार से अगर कहीं महाजरीन का इकट्ठ है या अंसार का इकट्ठ है तो इसकी कोई हजत नहीं है इसी तरह अगर मदीना मुनवरा के वलमा या मक् मुकरमा के वामा का इकट्ठ है तो इसकी इसलिए कोई यानी अहमियत नहीं है कि ये बाकायदा कुछ दलील है लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मक्का मुक्रमा में मदीना मनवरा में नबी अक्रम सरसन का दौर और ख़ैरक का जो दौर है उसके अंदर जो है वो एक उसकी अहमियत मौजूद थी इसलिए कि नबी अक्रम सर फम की जो शरीत है और अमरा तामुल की सूरत में जो है वो इन इलाक़ों में पाई जाती थी और इसी हदीस का ज़... क्या अभी जख़ीरा इस तरह मदमन नहीं हुआ था रवायत की सूरत में लेकिन जो जो वक़्त गुजरता गया है उधर रवायत की सूरत में जो है वो हदीस का ज़खीरा जो है वो, वो मदमन होता रहा है और इधर जो है वो लोगों के ताम में जो भी फ़र्क आया है उसकी निशानदेही होती रही तो इस अतबार से खैरकरून के बारे में जो नबी अ करम सर फरमाया कि खैर उकरून करनी सिर्फ़ एक तामल की हद हाँ तक इसकी अहमियत है और इस ताम को जो है वो इमाम मालिक बड़ी अहमियत देते थे लेकिन उनका जो ये क़ौल करार दिया गया है कि अहल मदीना का जो इजमा है वह जदयी है बिल्कुल ग़लत उनके ऊपर इल्ज़ाम है इसी इबन कैम ने इनामी के अंदर इतने ज़्यादा दलाल इकट्ठे कर दिए हैं कि इमाम मालिक जो हैं वो मदीना मनोवरा के इकट्ठ के की अहमियत के कोई कायल नहीं थे हाँ इतनी बात ज़रूर है कि नबी अक्रम सम का जो तामुल है वो इन इलाकों में चूँकि आप रहे हैं मदीना में मक्का में तो आपका वो तामुल जो है वो मक्का में भी मौजूद रहा है मदीना में भी, भी मौजूद रहा है लेकिन इसकी तारीखी अशियत सिर्फ इतनी है कि जब तक ये तामिल मौजू, मौ, मौजूद रहा वो उसकी वजह ये थी कि आपके साथी स्याबा यहाँ मौजूद थे और जब यहाँ से स्याबा चले गए तो आपका तामिल भी जो है वो फैल गया इसीलिए इमाम मालिक राम को जब किसी ने यह कहा ख़ास तौर तो पर मंसूर ने कि, कि आप एक ऐसी किताब तैयार कर दें जो मैं अपने यानी खिलाफत के, के अंदर अंदर जो है मैं हुक्म दे देता हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो इसकी पैरवी करें तो इमाम मालिक ने कहा था ये काम ऐसा ही नहीं है इसलिए कि नबी अलैहि वसल्लम के, के सहाबा जो है वो फैल गए और इसी तरह उन सहबा के पास नबी अकरम सल की जो ज़िंदगी है किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम जो है वो ज़िंदगी और आपके मामूलात का उन्हें इल्म है तो इसलिए अगर ये काम हम कर देंगे तो इसका माना यह है कि हम उनसे अब आप बसें महरूम हो जाएंगे जो यहाँ से निकल निकल कर चले गए हैं तो इस अतबार से आ, कहने का मकसद ये है कि इमाम मालिक के नज़दीक एक तो अहमियत इस बात की थी कि गोया के तामले जो तामल है वो मदीना मर्रा के अंदर काफ़ी हद हाँ तक जो है वो कायम रहा है और अच्छा दूसरी एक अहमियत और भी है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इरशादात का ताल्लुक ऐसी चीज़ों से है जिसके अंदर जो है वो ख़ास तौर पर मकदारों का मसला आ जाता है जैसे कि अब जो मुद और सा है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो मद है वो एक से ही एक पटा तीन रितल का होता था रीतल के पाउंड के बराबर है तो गोया कि एक से ही एक बड़ा तीन पाउंड के बराबर जो है वो आपका मुद्द होता था लेकिन इराक़ के अंदर जो है वो फिर बाद में तब्दीलियाँ आई हती के उमर बिन अजीज़ के दौर में तो ये जो है वो सात जो है वो चार मुद्दा होता है और फिर बाद में जो है वो आठ मुद्दा हो गया तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हमारे शरीर जो मसाइल हैं उनका ताल्लुक जो है आ, किस दौर के मुझसे है किस दौर के साथ से है उनका जो ताल्लुक है वो सिर्फ नबी अक्रम सम का जो दौर है उनकी मकदारों से है मसाइल के अंदर नबी अक्रम सम के आ, की दौर की जो मकदारें हैं उनको छोड़कर नई मकदार मरद लेनी ये ग़लत है तो इसलिए ये जो मसला है ना कि जो इराकी शाह है वो जो है वो आधा अगर दे दिया जाए तो ये काफ़ी है ये बिल्कुल गलत बात है जो शाह है वो पूरे का पूरा वही देना पड़ेगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना दौर है तो वैसे शाह के बारे में जो है वो अब तो हर कीलू आ गया है लेकिन हम हमने जब पढ़ा था तो उस वक़्त ये हमारे यहाँ शेर चलते थे शेर कोई किलो से थोड़ा सा कम होता है तो उस वक़्त जो है वो जो मुझे बात याद है वो उस्तादों ने यही बात बताई थी कि दो दो शेर दस टाक दस टाक उसके बाद और मकदार है मुझे याद नहीं आ रही दो शेर दस टाक तीन तो ले आ, 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 नहीं आगे चार माशे की कोई बात है मतलब तकरीबन तो तो इतनी मकदार थी उस वक़्त तो अब तो चूके किलो थोड़ा सा बड़ा है इसी आमतौर पर ढाई किलो को कहते हैं कि ये सा के बराबर है लेकिन वैसे जो है वो अब तक ऐसी चीज़ें मौजूद हैं लोगों ने संभाली हुई हैं जो नबी अक्रम सर के ज़माना में जो मुद्द था उसकी मकदार कितनी थी इस तरह आपके सा की जो है वो मकदारें तो कहने का मकसद यह है कि मैंने खुद देखा है बाजौर हमारे मुझे दिखाया कि देखिए ये मद्दनबी है तो कहने का मकसद मेरा यह है कि मसाइल के अंदर अगर इन चीज़ों की कोई अहमियत है तो वो ये है तो इस एतबार से जो है वो ये राय के शरा के अंदर मकदारें वो मुराद होंगी जो, जो दौर नबूत की थी ये बिल्कुल दुरुस्त है और दौर नबूत के बाद जब इनको जो है वो बदल दिया गया तो फिर उनकी जो है वो हैसीत नहीं है इसी तरह जो है वो आप देखिए कि एक दौर था जबकि गंदम जौ वग़ैरह जो है ये जो आ, उन्होंने चीज़ें कुछ तैयार की हुई थी टोपे वगैरह तो इनसे जो है वो इन इनका अंदाज़ा करते थे फिर बाद में यही चीज़ें जो हैं वो तोल कर बिकने लगीं या या गिनतर बिकने लगी बल्कि आज तक आप देखिए दुनिया के अंदर हारती है कि हमारे मुल्क में ये केला हो या ये माल्टा वगैरह जो है ये गिनती से दर्जन के हिसाब से इंसानों के बदलते रहते हैं तो इस एतबार से हमें इस चीज़ को जो है वो महसूस रखना चाहिए तो मैंने आपको जो है वो ये बताया है कि ये जो इजमा का तस्वुर का है ये मुतकदम के यहाँ जो है वो नहीं पाया जाता और नामतमिन इसको मानते हैं तो तस्वर तो है इतफाक़ का या इश्तहाद का या क्यास का तस्वर है उसको आप लें उसकी अहमियत है तो इसलिए मैंने तो आपको बता दिया कि ख्याल क्रून के अंदर तो सिर्फ दो जो हैं वो मकत फिक्र थे एक अहल अदीस मकत फिक्र और एक आहरा मकबर बस बाकी ना, ना ये माखते शरीत का दफा तो बिल्कुल छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा धोखा है, ये नहीं, है ये। नहीं ये शरीयत नहीं है ये हकीकत में शरीयत का इतलाक़ है शरीत का इतलाक़ है और शरीत में गौर वफिक्र करके जो हासिल होता है जैसे किदे के मसाइल हैं वो हमारे लिए हासिल होते हैं तो इस गौरव ये असल में इश्हा है अगर मैं हूं, तो मैं इनको क्या, इस के पहलू, ये नाम दूंगा। आप इसको इश्हाद की तशरीक में शामिल करेंगे कि इश्तिहा मुराद क्या है इश्हाद का माना है कि ताबोसनत में गौरव फिक्र करें और जो चीज़ ताबुसनत में ज़ाहिर तौर पर आपको नजर नहीं आती वो आपको जो है वो गौरव फिक्र कर नतीजा में आपको भिट जाएगी इश्हाद का काम ही ये है और वही जो हासिल होता है उसको हम फिका भी कहते हैं यानी फ़िका का फिका की क्या तारीफ़ है फ़िका की तारीफ़ ये है कि आप जिस चीज़ का मुशाह करते हैं अपने हवा से अगर उस मुशाह के बाद आप एक गैबी चीज़ तक चले जाते हैं तो वो फ़िका होती है तो इसलिए फिका जो है वो इतिहाद का हासिल है वो अलग बात है कि आलू राय की फिका और अरदीस की फ़िका जो है इनके अंदर जो ख़ूबियाँ और खामियाँ हैं मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता मैं आपको बयान कर चुका हूँ जैसे कि मैंने आपसे गुफ्तु करते हुए मैंने बताया था कि जो अहल की फ़िक्र है उनके अंदर पहली चीज़ एक तो जो है तखरीज उसने बिगाड़ पैदा किया फिर उसके बाद जो है फिक्र तकदीरी ने बिगाड़ पैदा किया फिर इसी तरह जो है उनके यहाँ जो है वो उन्होंने इस दावे से कि जज का जो फैसला है वो उसकी वाकियाती सुरतार को बदल देता है ये सारी चीज़ें जो हैं ये अहल राय के बिगाड़ है तो ये चूँकि तो काबुल हो चुका है मैं इसको बार बार नहीं दोहराता लेकिन यहाँ जो बात सिर्फ इतनी है वो इजमा का जो तस्वुर है वो वही तस्वर है इजमा का जो मतकदम में था ता। मुतान तो का जो इजमा है इसका ताल्लुक जो है वो मैं नहीं समझता कि शरीय से है आपको अगर कोई चीज़ सीखनी है तो मुतकदम से सीखिए मुताख़रीन को यह हक ही नहीं है कि लफज उनका लेकर और फिर बाद में उसक, उसका माने मानी अपने पहनए और उसके बाद ये तो बात बाड़ी फजूल ये है कि इमाम बुखारी जो है वो हमारे क्यास के कायल हों हमारा क्या इमाम बुखारी के क्या ये तरफ है और फिर यह कि इमाम बुखारी को तो इन फसादात का पता ही नहीं था जो हमने इसमें इलाहादा कर लेना था तो इसलिए सबसे बड़ा फसाद ये पैदा किया गया कि शरीयत जो है वो नाकिस है और जो है हम हमारे मामला जो हैं वो गैरमहदूद हैं इमाम बुखारी के शुरू में सारे मौजूद हैं अलहद पूरे के पूरे तस्वूर मौजूद हैं आप उनका मुताल करेंगे तो इन शाला आपको मिल जाएँगे बाकी हर एक आदमी का अपना अपना एक अंदाज़ होता है एक, एक फिकी दौर आया है और फ़िकी दौर में क्या आया है कि अकवाल उसके अंदर अकवाल को सामने रख कर जो है तरजीह देने की बात आई है ये काम तो वैसे इतना मुश्किल नहीं था उन लोगों के लिए इब्ने हजर के दौर में या नबी वगैरह के दौर में लेकिन आज के दौर में तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत यही बन गई है कि जब इमामों के नाम आ जाते हैं फ़ला इमाम का कॉल फ़लां इमाम का कौल इमाम का कॉल हम यहीं उलझ गए आ जाते हैं तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि सही तरीक़ेकार ये है कि बजाय इसके कि आप इमामों के अकवाल के अंदर तरजीह दें सही बात असल में यह है कि जब आपको मसला कोई दरपेश हो उसके बारे में किताबों सनत का मतलब करें और इमामों ने जो इस बारे में पहले फतवे दिए हैं या फैसले किए हैं उनसे आप जो है वो रहनुमाई हासिल करें उनसे रहनमाई ले लें उसकी आप पाबंद नहीं हैं वो आपका रहनुमा तो हो सकता है लेकिन आपके लिए पाबंदी नहीं है इसलिए कि किसी का इश्हास दूसरे को पाबंद नहीं करता और हम इस बात की भी पाबंद नहीं है कि हमने लाजमन इस इमाम का इशतहास मानना है और इसका नहीं मानना ये सारी जो वही तकलीर शख्सी की जो खराबियाँ हैं चलिए अब इसको हदीस का जो मफहूम है वो भी समझ लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें बहुत से नुक़े ऐसे हैं जो आहिस्ता आस्ता इंशाल्लाह शाज़ होते रहेंगे अब आप देखिए ना कि पहली हदीस तो इसमें यह है कि एक बदू आया और नबी अक्रम सम के हाथ पर उसने जो है वो बैत कर ली इस्लाम की और उसको चंद दिनों के अंदर जो है वो उसे तेज़ बुखार हो गया तो अब जब बुखार हो गया तो एक तो वो अपना घर बार छोड़ कर आया था और उसको जो है फसा भी उसके लिए कोई माफिक नहीं थी तो जब बुखार हो गया तो नबी अलैहि वसल्लम के पास आ गया कहता है जी मेरी बैत वापस कर दें असल बात यह है कि वो ये समझता था कि अब बैत करने का नतीजा ये है कि मैं जो है वो मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे जो है वो जाना नहीं है हालाँकि अगर वो ये कहता ना कि मुझे आप इजाज़त दे दें कि मैं मुझे यहाँ तकलीफ है या मे मुझे कोई संभालने वाला यहाँ नहीं है या मैं बुखार की हालत में हूँ और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ तो ये कोई मना नहीं था लेकिन उसने कहा कि ये मेरी बैत वापस करो बैत वापस करने का मना तो यह कि बैत तो अल्लाह से होती है और अल्लाह से जो बैत हो चुकी है वो वापस करने का माना है कि अब अल्लाह से आप बैत तोड़ रहे हैं तो इसलिए अल्लाह से बैत तोड़ना या नबी से बैत तोड़ना जो है ये किसी सूरत में जायज़ नहीं है तो बाकी ये मसला है कि क्या वो आदमी जो है क्या मुर्तद हो गया था इसके बारे में ए, मैं उस इस, इस राय का कायल हूँ कि नहीं मुर्त नहीं हुआ था वो समझता यही था कि कि मैं ए, जो है वो जब तक आप स, की बैत नहीं ख़त्म करता उस वक़्त तक मैं जा नहीं सकता यहाँ से और ये उसकी अपनी समझ की गलती थी तो इसी वजह से नबी अक्रम सला ने उसको इजाज़त नहीं दी बल्कि आपने ये भी फरमाया बसावत इंसान को जो है कोई ऐसी तकलीफ़ आ जाती है तो उसको जो है वो है वो आप पढ़ चुके हैं लेकिन उसके अंदर भी इमाम बुखारी ने जो है वो बाद मसाइल की वजाहत के लिए जो है पेश किया है वो मसला ये है कि जो अगली हदीस है उसके अंदर कि बिन अब्बास ये बयान करते हैं कि मैं बड़े बड़े सहाबा को पढ़ाया करता था जिनमें खास तौर पर परब्दुरहमान बिन औफ जो थे वो भी पढ़ते थे तो अब्दाल्मान बिन औफ ने जो है वो वह बिन अब्बास को बताया कि उमर रजी अल्ला हज के दिनों में किसी शख्स के बारे में ये सुना कि उसने ये बात कही है कि अगर उमर फौत हो गए तो मैं फ़लाँ के हाथ पर बैत कर लूँगा बाद रिवायात में ज़िक्र है कि हजरत अली और बिन बिनुल्ल् का जिक्र आया था कि उसने कहा कि अगर हज़ुमर फोतो गए तो मैं हजरत अली के हाथ पर बैत कर लूँगा या तला बिन वैदुल्ला के हाथ पर बैठ कर लूँगा तो हजरतुमर रजी अल्लाह हो जो है जब ये बात पहुँची तो आपको बड़ा दुख हुआ उन्हें कहा जी मैं इसकी फौरी तरदीद करना चाहता हूँ तो उमर रजी अल्लाह ते कि जी आप जो हैं वो ये काम ना करें आप अभी खामोश रहें जब आप मदीना मनौरा जाएँगे ना तो वहाँ जाकर जो है वह आप इसकी वजाहत करें तो यहाँ से असल में इमाम बुखारी ने जो है वो मदीना मरव्रा की जो अहमियत है ना उसको वाज करने के लिए जो है ये टुकड़ा दिया है अगर ये हदीस लंबी है इसके अंदर लफज ये है ना कि फ़काल अब्दरहमान बेमिनन लौशा मिरलोमिन अजुला के तुम भी उस विरमिन के पास होते जब उनके पास एक आदमी आया था और उसने कहा ही न यकूल कि फ़लाँ आदमी ये कहते हैं लौ माता मिरलोमिनलाबाया फ़लानन अगर अमीरमिन फ़ौत हो गए तो मैं हम फलाँ की बैत कर लेंगे तो उमर ने कहा लाख़ूमन न अशियता आज यानी पिछले पैर में मैं जो है वो लोगों के दरमियान में खड़ा होकर जो है वो लोगों को बताऊँगा कि ये काम जो है वो गलत है फो हजर हाउला राहतलना यदूना यग सबूम तो मैं उन लोगों को जो लोगों के हकूक गशब करके जो है ये काम करना चाहते हैं तो मैं उनको जो है वो डराना चाहता हूँ मतलब ये है कि ये जो अमीर का इंतब है इसके अंदर लो, लोगों के अतमाद की बड़ी अहमियत है तो इसलिए लोगों का अतमाद जो है वो लिए बग़ैर किसी के हाथ पर बैत करना जो है ये हकीक़त में फसाद को ईजाद करना है तो इसलिए इस हदीस की तफसीली सूरत पहले भी गुजर चुकी है और इन ये बाद में भी आएगी उसके अंदर यह है कि आम तौर पर सिद्दीक रजी अल्लाह तह के इंतख्य की मिसाल दी जाती है तो हजतुमा रजी अल्लाह तुमने उसके बारे में भी ये बताया था कि हजत उब्बर सद्दीक का जो है वो इस तरह से इंतखा नहीं हुआ था हुआ असल में मामला ये था कि जब सिद्दीक ने जो है वो तकरीर ये की कि क्रैश का जो मुक़ाम है लोगों के अंदर कंट्रोल करने का और एक इज़्ज़राम का वो किसी और को हासिल नहीं है और जब तक ये मुकाम जो है ये कुरैश को मिलता है उस वक़्त तक ये खिलाफत कुरैश में ही रहेगी तो उन्होंने ये जब तकरीर की थी तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी राय यह है कि आपके सामने इसको दो आदमी कुरैश में से नुमाया बैठे हैं कि एक उमर बिन खत्ताब हैं और एक अबू वैजा बिन जर्रा है आप दोनों में से किसी एक के हाथ पर बैत कर लें तो है तो रजी अल्लाह तआला तुमने फ़ौरी तौर पर यह किया कि बजाय इसके कि आप वो भी बात ही पेश करें आगे बढ़कर जो है वो उन्होंने उग्र सिद्दीक से कहा हाथ पड़ा ये मैं आपकी बात करना चाहता हूँ तो उन्होंने कह बैत कर ली तो इसलिए वहाँ कोई इकट्ठ नहीं हुआ था उन्होंने बैत कर ली लेकिन उस बैत के नतीजे में फसाद इसलिए नहीं बपा हुआ कि जिस शख्स की बैत की गई है वो वैसे ही ऐसा मुकाम का हामिल था कि नबी अक्रम सल वगह जगह जो है वो उनको अहमियत दी है आप देखिए अब्क्रद्दीक की कितनी बड़ी अहमियत है कि मस्जिद नबी में जितनी भी खिड़कियाँ खुलने वाली हैं तमाम की तमाम बंद कर दी जाए सबाई अबूकद्दीक के इस तरह नबी अक्रम सला वसम ने जब अपनी बीमारी की हालत में अबूकद्दीक को इमाम किया है तो बीवियों ने जो है वो नबी अक्रम सलम के पास आकर बार बार कहा कि आप को की बजाय बजायमर से कहिए लेकिन नबी अक्रम सलाम ने जो है वो नाराज होकर जो कहा कि मैं जो कहता हूँ वही काम करूँ और कहा कि तुम तो यूसुफ की साथियाँ हो ये इशारा ये असल में किया है कि तुम्हारी तुम्हारा मकसद कुछ और है नबी अक्रम का मकसद ये था कि अब्दुल्क की एक अहमियत है ये अल्लाह की तरफ से उनका इंतखब नहीं हुआ था इसलिए नबी अक्रम वो काम तो नहीं कर सकते थे लेकिन जो आपकी जतीी सोच थी या अहमियत आपकी नज़र में थी वो आपने जाब जा मौक़े पर जो है वो ज़ाहिर की है तो अब्दुलकर के हाथ पर जो बैत थी इसी लिए रजी अल्लाह तल्फ हैं कि वह थी शर लेकिन उसका नतीजा खैर निकला शर का माना यह है कि वो लोगों के अतमाद के बग़ैर जो है वो हजतु उमर ने आगे बढ़कर कर बैत कर ली थी तो उसका नतीजा ये निकला कि अब सदीक कि तरह का आदमी था ही कोई नहीं इसी जब आपने बैत कर ली सारे लोगों ने बैत कर ली यानी उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अब के सिद्दीक बात हम क्यों करें हज़रत उमर ने कर ली बाकी सारे ने भी कर ली तो अल्लाह ताली ने ऐसे इकट्ठ कर दिया था तो इसलिए इमाम बुखारी इस हदीस को लाकर जो है ये बताना चाहते हैं कि जो अब्दुलरम ओफ ने मशुरा दिया था मदीना मनोल् के बारे में कि यह हिजरत भी है या सुन्ना भी है तो मदीना मलोला का जो मुकाम है ना हिजरत के अतबार से और सुन्नत से मुराद यहाँ शरी जो अपना तालीमात हैं उनके अतबार से तो इससे बात है जो मदीना मनवरा का मुकाम है वो एक बुलंद मुकाम है तो मैं आपको बता चुका इसकी अगर से है सिर्फ तामुल की हद तक बाकी ये नहीं कि मदीना मनवरा हमेशा के लिए जो है वो हमारे लिए जो है वो ए, 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 ये हैसीत कर गया है कि आप मदीना मनवरा में जो लमा कैदें वही हमारे लिए फतवा होगा ये बात दुरुस्त नहीं है अगरचे कुछ ऐसी चीज़ें हासिल हैं जो मदीना मनवरा को आज भी हासिल हैं जो किसी और मुकाम को हासिल नहीं वो ये है कि नबी अक्रमया के क्यात के करीब ईमान जो है मदीना मरव्रा में यूं सिमट जाएगा जैसे कि सांप जो है वो अपने बिल के अंदर सिमटता है इन्नरी ईमान मदीत कमाता अरजुल्हैत तो जहरेहा तो इस तरह मदीना मर्रा की ये बरकतें आज भी मौजूद हैं तो लेकिन बरकतें और चीज़ हैं और शरी तौर पर जो है वो दूसरों को इनका पाबंद करना ये और चीज़ है और इसकी मिसालें मैं आपको जो है वह बहुत दे चुका हूँ लेकिन यहाँ मैं आपको बताना सिर्फ देना चाहता हूँ कि इमाम बुखारी ने इन जगहों की जो अपनी अपनी अहमियत है उसको बयान करने के लिए ये अहादीस या अहादीस के बाद हिस्से जो है वो लाकर वजाती है तो आपने फिर अब्दुलरम अब ओफ़ ने कहा कि जब आप मदीना मर जाएंगे तो वो मुहाजरीन और अंसार का इलाक़ा है और आप उनके साथ जो है वो जब बैठेंगे तो सूरत हाल ये है कि आप इस वक्त हो सकता है कि हजरत उमर को ख़िताब करें और उनके पास वो लोग बैठे हों जिनकी इल की गहराई भी नहीं है और शरीयत के बारे में जो है वो उनकी सूझबूझ भी बड़ी सादिशी है और वो इसका एक गलत माना लेकर जो है लोगों में फैलाने शुरू कर दें तो उनका बिन औफ़ का मकसद ये था कि नहीं आप यहाँ ये यह बात ना करें आप जब वहाँ जाएँगे तो वहाँ आपके करीब वो लोग होंगे जो नबी अक्रम सम के साथ ही यानी ज़्यादा जो है वो उन्होंने आपका साथ जो है वो लिया है तो इसीलिए फिर हज़ुमर रजी अल्लाह ने उनका यह मशवरा मान लिया था और मानने के बाद फिर तुमर रजी अल्लाह ने जो खिताब किया पहला तो आपने दीना मर्रा वापस जाने के बाद एक ही जुमा पढ़ाया है और उस जुमा में आपने ये खिताब किया था अगरतः इमाम बुखारी ने यहाँ पर जो है वो सिर्फ इतना हिस्सा लाया है कि आयतुलरजम लेकिन ये हदीस लंबी है इसमें आयतुलरजम का जिक्र भी है और इसके अंदर वो सारी बात भी है अबू बकर सिद्दीक की बैत और उसके बाद फिर उस बैत के बाद जो है वो तमाम लोगों ने जो है वो अबू बकर सिद्दीक की बैत कर ली जो वहाँ मौजूद थे फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो मस्जिद नबी के अंदर जो बाकी लोग रह गए थे फिर वो भी बैत करते रहे तो उसका जिक्र जो है वो इस हदीस में नहीं किया यहाँ इक्तिसार करके जो है बात को ख़त्म कर दिया है चूँकि इमाम बुखारी जब एक हदीस ले आते हैं तो उससे मुतल उसका जो बाकी हिस्सा होता है वो भी इमाम बुखारी के सामने होता है लेकिन यहाँ चूंकि मकसद सिर्फ इतना है कि मदीना मन का मुकाम के लिए दारुल हिजरा भी है और दारुलसना भी है यहाँ इस फजीरत के लिए जो है वो ले आए हैं चलिए जी अगली अदीस भी आप पढ़ लें ताकि हम कुछ आगे बढ़ें तो उसमें यह है कि हदसना सलेमानब्न हरबिन हदसना मद अयूबा मुहमदिन क़ालक इंदा भी हुरारा वाली सोबान मशाने इनका फतमख़ता फ़त, फ़क़ा बख बख अबू हुरार यम फिर कत्तान फिर रजी अल्लाह तुने जो है वो कपड़े बड़े शानदार पहने हुए थे और ये अलसी के कपड़े थे और उनको जो है वो गेरू रंग में रंगा हुआ था ये ममशान से मरा गेरु रंग और कत्तान कहते हैं अलसी को तो अलसी के पौधे से जो है वो इसी तरह जो है वो तारे तैयार करके जैसे सूद की तारे होती है तैयार करके तो अब आमतौर पर सिहाबा में इस बात का एहसास पाया जाता था कि उन्हें अगर, अगर कोई थूक वगैरह कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो वो अपने जो है वो कपड़ों में ही थूक लेते थे इसलिए कि उस दौर में ये फ़राखी तो ठीक हुई नहीं अब ये फ़राखी यहाँ के टिश्यू पेपर भी आ गए और नए से नए जो है वो आ, कपड़े भी आ गए ये ये मुसलमानों के अंदर जब दौलत आई है तो उसकी वजह से आए हैं वो चूँकि ग़ुरबत का ज़माना था इसलिए वो लोग तो अगर अलग कपड़े देकर आए तो उनको तो मुसीबत ही बनी रहे इसलिए आप देखिए माएँ किस तरह अल्लाह त माओ को कैसा बनाया हुआ है कि वो अपने बेहतरीन कपड़ों से जो है उनके नाक साफ कर देती हैं और इसके अलावा जो मुँह से वो निकलते फेंक देते हैं माएँ उठाकर वही खा जाती हैं हालांकि बाप ये काम नहीं कर सकता तो ये अल्लाह ताला ने औरत का मिजाज ऐसे बनाया है तो कहने का मकसद ये है कि अब वो ने जो है वो जब उनमें में थूका तो सा, साथ ही कहते हैं बाबा अब बाबा रहा वा बा माना ये कि कहते हैं कि तेरी हालत क्या थी तू तो कितना गरीब आदमी था तेरी हालत ये है कि तू आ, अब अलसी के तैयार करता जो कपड़े जो आला किस्म के समझे जाते हैं तो अब इनमें जो है वो थूक रहा है और तूने मैंने अपने आप को देखा कि मैं निम्बर और हजरा आयशा के दरमियान जो है वो गिरा रहता था आपको पता है निम्बर से लेकर आयशा का हुजरा जो है वो असल में नबी अक्रम सम की तदफीन तो हजरा ऐशा में हुई है और इसको कहते हैं रोज़ तो मेरे आज जानना तो इसके दरम्यान में मैं गिरा रहता था और ऐसे मुझ पर गशी तारी होती थी तो एक आदमी आता आने वाला और वो देखता कि मैं इस तरह गशी की हालत में पड़ा हुआ हूँ तो मेरी गर्दन पर जो है वो पाँव रख कर कहता भाई होश करो होश करो मकसद असल में ये है कि वो समझता था कोई ये कोई जुनूनी जुनून में है और इसलिए गिरा पड़ा हुआ है हालांकि मुझ पर जुनून नहीं होता था असल बात यह है कि मैं भूख की वजह से मेरा ये हाल होता था कि मैं इस तरह से है जो है वो रोज़ तो मेरे जन्मा में गिरा रहता था तो और बताया कि वाँ भी जुनून मुझे जुनून नहीं होता था बल्कि असल में ये भूख की ज़्यादती की वजह से बताया ये, ये कि हमने इतनी भूखे और इतने फाके काटे हैं अब आज हमारी ये है कि हम जो है वो अलसी के तैयार करता बेहतरीन कपड़ों में जिनको घेरु रंग के अंदर रंगा हुआ है हम उससे जो है वो अब अपने नाक और रेशे जो है वो साफ़ कर रहे हैं तो यहाँ मकसूद जो है वो क्या है नबी अक्रम के मंबर का जिक्र और उसकी अहमियत और इसी तरह हजायशा रजी अल्लाह तुम की हजरे की या नबी नबीक्रमली जहाँ दफन है उसकी अहमियत ये सारी असल में अहमियत इमाम बुखारी बयान कर रहे हैं नहीं ख़ुद मदीना मनवरा की भी एक अहमियत है और एक इन इन जगहों की भी अहमियत है मंबर की अहमियत है ताकि आपके बालों की अहमियत आपके पसीने की अहमियत वो अगर तो इमाम बुखारी यहाँ नहीं लाए लेकिन वैसे आप दिगर रवायात में मौजूद हैं कि सहा के, नबी की खुद बीवियों ने आपका पसीना जो है वो इकट्ठा किया हुआ था और जब कोई खुशबू में इस्तेमाल करती थी तो उनके अंदर उस पसीने को जो है वो डालती थी तो इसी तरह इस नबी अकरम सर जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो जैसे मैंने आपको माँ की मिसाल दी है कि वो बच्चों की ज़्यादा मोहब्बत की वजह से उस उन उनका जो नगला हुआ है जब वो खा जाती हैं देखिए ये माँ की मोहब्बत है अगर ये मोहब्बत ना हो बच्चे पलते भी नहीं हैं तो ये अब इमाम बुखारी मुख्तलिफ मकाम और मुख्तलिफ चीज़ों की जो बरकत है उसका जिक्र कर रहे हैं तो गोया के इमाम बुखारी ने कहा है कि इन चीज़ों को तो तस्लीम करो बाकी रह गया कि भाई कुछ लोगों का इकट्ठ हो गया है और ये जिस पर इकट्ठ हो गया है वो हक है इम ये कोई चीज़ नहीं है इसकी कोई दलील नहीं है लात इतने उम्मती अल जल वगैरह ये तो हदीसें नहीं हैं तो असल में अकबाल हैं जो आम तौर पर मशहूर हो गए हैं ये साबित शुदा हदीसें नहीं हैं और इसके बारे में अगर कोई हदीस है तो वह यही है तारफ़्ती हक़ और इससे मुराद जो है वो हजियत कायम करना है हक़ हाँ की तो ये मैंने आपको बताया कि के मतकदम के हाँ जो इजमा था वो इसी हद हाँ तक था चलिए बाकी बातें इन शुरे